तो सर प्रशांत आवाज आ रही मेरी? गुड सर इवनिंग, क्या कह सर आ रही रहे हो? है सर आवाज। क्या कोई डाउट है क्या? कल सर? वाले पार्ट में कोई डाउट रह रहा है हाँ सर। क्या? और मैंने जो बोला था करके लाने के लिए कर लिया? करोगे हाँ सर करा। डाउट? पेज पेज नंबर 29 तक किया था। नंबर 29 नहीं है साथ। तुम लोग का कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको ट्राई करते हैं। स्टूडेंट आस्क कर, पहला क्वेश्चन है। तुम लोग कॉस 2 थीटा कॉस थीटा और ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल इसको बोलते फॉर ऑल, जो ए उल्टा बना होता है और ए थीटा नॉर्म टू जीरो। वी कैन ऑप्शन सर दे रहा हूँ। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू निकालनी सर इसकी। हाँ, मैक्सिमम ठीक है। पूरी शीट सर क्या स्क्रीन सर? नहीं आ रही। मैं अभी बता दे स्क्रीन रही है सर अब आ रही है। मेरे वाले पे पिंक करके रखो। आप मेरे वाले पे क्लियर करें, मतलब क्लिक करके वीडियो पे पिंक ऑप्शन आ रहा होगा, वो दबा लो। सराने लगाओ नहीं आ रहा। तुमने करी है तुषार? ये नहीं। मॉडल नहीं किया मतलब? नहीं किया सर ऑप्शन नहीं आ रहा। मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा पिन का। अच्छा, कोई नहीं, अभी तो वीडियो आ रहा है ना। हाँ, हाँ सर आ रहा है। तो बढ़िया है। मतलब क्वेश्चन ट्राई करना जरा सारे कैसे करते हैं। लोग को बताया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। सर ये लास्ट में क्या लिखा है सर? थीटा बिलोंग्स टू रियल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल क्वाड्रेटिक। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल, इसको बोलते हैं बिलोंग, रियल नंबर आएगा थीटा। मतलब ये है कि थीटा रियल वैल्यूज ले सकता है, कुछ भी वैल्यूज ले सकता है। तो इसके यस मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मतलब वो गिवन है। सर -2 आ रहा क्या सर आंसर? मैक्सिमम वैल्यू -2 कैसे हो सकती है? सर नहीं सर प्लस में आएगी सर क्या प्लस 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 में टू टू? सर। हाँ अच्छा, कैसे निकालना? क्या करें कह रहा हूँ कैसे निकाला सर? मंथ के थीटा इक्वल टू 0 डाल दें, 2 आ गया, इसलिए 2 बोल रहा हूँ। ऐसा है क्या? हाँ अच्छा ठीक है, सही बन गया। तो देखो, कॉस थीटा जो है 0 -1 से 1 के बीच में होता है, तो कॉस 2 थीटा भी -1 से 1 के बीच में होगा। यस सर तो कॉस थीटा का, तो कॉस 2 थीटा 1 1 2 तक जाएगा कि नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि 2 तक पहुंचता नहीं है, जैसे इस केस में वैलिड नहीं है। जब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा ना, तभी वैलिड नहीं है।
से छोटा होगा, ये भी वन से छोटा होगा, पर cos थीटा प्लस sin थीटा 2 तक नहीं जाएगा, ये रूट 2 तक जाता है, कल हमने प्रूव किया था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 ही तक जाता है, ये 2 से छोटा हो सकता है, बट ये चेक कर लेंगे कि 2 जा रहा है इतना, तो चेक करने के लिए क्या करें, थीटा की वैल्यू 0 पुट, 0 पुट करोगे ये भी 0 आ जाएगा, cos 0 1 cos 0 1, तो आंसर वुड बी 2 बार, नहीं मैं एग्जांपल 2, इसको आप लॉजिकली आसानी से कर सकते हो। यस सर, कल सारे लोग को ध्यान रखना कि टाइम पे आ जाना है क्लास में, और ये करके आना है जितनी मैंने शीट आपको बोली करने के लिए। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर, एक मिनट रुको जरा। अभी आ रही है? नहीं सर। अभी तो आ रही है। आ रही है सर। यस सर आ रही है। क्या ट्राई करूँ देख के? एक वैल्यू गिवन है, देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा हमें बताना है। आइडिया लग रहा है किसी को कुछ? सर नहीं आ रहा। सुन नहीं आ रहा। देखो cos स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग डबल एंगल में चेंज करना चाहें और sin स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में चेंज करना चाहें तो किस किस को cos टू थीटा के फॉर्मूले जिसमें सिर्फ sin आता है जिसमें सिर्फ cos आता है। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा थीटा प्लस 1 अपॉन 2 लिखोगे होल स्क्वायर, करेक्ट है ना? एक स्क्वायर और लगेगा क्योंकि साइन की पावर 4 थीटा है वो। यस सर, ठीक है ना, इसको ओपन कर लीजिए होल स्क्वायर को 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस थीटा 2 थीटा।
4.4 कितना आ जाएगा एक्सियम स्क्वायर A call from Ashish Sharma Takshila. A call from Ashish Sharma Takshila. यस सर क्या बताओ 3π/4 लाइक 3/4 प्लस cos स्क्वायर 2θ/4 यहां तक समझ में आ गया सबको अभी आप बताओ आप आंसर निकाल सकते हो आप लोग यस सर दिमाग लगाओ देना आगे आंसर आया किसी का माधव तुम्हारा आया डी क्या रहा डी पार्ट ठीक है इसके बाद देखो बहुत सिंपल स्टेप रह जाते हैं और तू ठीक है कोई बताएगा कि कहां से आना होता है माइनस वन से वन कॉस स्क्वायर तू ठीक है कहां से गुजरेगा माइनस मालिक जीरो से वन अब आप सोच रहे होगे वन से वन तक होगा पर एक जो है तो जीरो भी आती है जीरो से वन हो गई क्या सर क्या बोल रहे हो नीचे समझ में आया क्या बोला आपने सर जीरो से बन कैसे जीरो से बन कैसे होगी अगर आपको y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बनाना आता है यस सर अगर मैं तुमसे बोलूं कि x जो है माइनस वन से वन के बीच में है तो y कहां से कहां तक होगा y जीरो से बन होगा कि नहीं यहां से हां यस सर वही तो है जीरो से बन होगा कि नहीं यहाँ पे भी आ जाएगा वन थ्री बाय फोर प्लस जीरो जीरो आंसर कितना आ गया थ्री बाय फोर से वन डी पार्ट क्लियर है कि नहीं यस सर आगे करें यस सर ये ना ये वैल्यू हमने डिस्प्ले करा दी तो 0.7 है ये वैल्यू यहां पे डाल दी हमने ठीक है जब आप 4 करोगे यहां भी 4 है यहां 0 है और फिर 3/4 ऐड कर दीजिए आगे बढ़े नोट कर लिया यहां तक यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइड बाय 4 इसकी वैल्यू निकालनी है एकदम
किसी को प्रोसेस अगर थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं सर, कैसे स्टार्ट करेंगे। सर 0 to 5/4 0 to 5/4 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 minus cos 2 divided by 2 इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा/4 करेक्ट है ना, माइनस में 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1/4 sin 2 थीटा ठीक है ना। ये जो फंक्शन है सिंगल स्टेट को पता है, ए cos ये एक्स की तरफ बिहेव करेगा प्लस बी sin, कहां से कहां तक होता था ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस इतना जो सेटिस्फाई करा दे नेक्स्ट टाइम का आंसर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/2 अंडर रूट में 1/4 + 1/16 A call from Ashish Sharma Takshila. A call from Ashish Sharma Takshila. क्या हो गया, कोचिंग प्रोग्राम में सर आज सर आवाज आ रही थी, यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है भैया, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं रूम में, वो भी पढ़ रहे हैं तुम्हारे तरफ। यस सर, यस सर, अच्छा तो समझ में आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन करना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ minimum value of 27 raised to power 2x 81 raised to power 10. Yes.
ये वाला क्वेश्चन कैसे प्रोसीड कर रहे हो? सी क्या बोल रही हो? सी सर ए आएगा ए ए ए तुम इसकी पे मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो क्या? इतने पार्ट की पूरे की निकालनी थी, इतने पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? यस सर, उसकी मैंने -5 निकाल दी है वैल्यू। हां तो पूरे की निकालनी है। जनरली जो भी पहला ऑप्शन होता है गलती होता है, ये ध्यान रखना डेली के एग्जाम में और लिफ्ट आएगी, आप पहले वही निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, फॉर व्हिच (2(x + 5)) = (2k + 1) as a solution. (4, 10, 12) ये लेफ्ट साइड पे फंक्शन लिखा है, इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस
माइनस 74 से प्लस 74 रूट में ना. हाँ सर 74 निकलता नहीं है क्या? सर मेरे यहाँ से नहीं आ रही, मैं बिल्कुल लग बैठा हूँ. अच्छा मेरे यहाँ से आ रही सर, मेरे को नहीं पता. ये हो गया यहाँ से यहाँ तक. अब इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए गिननी है कितनी है टोटल. √24 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू को बताएगा कितनी होती है? 8.64 होता है. 8.1 से ऊपर होगी सर. कितनी होगी? 8.3 कुछ होगी मान लेते 5 होगी, क्योंकि जस्ट बाद में तो 81 आ रहा है ना, 81 का 9 हो जाता है. हाँ हाँ वही फर्क है कि नहीं? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ. कितना हो जाएगा ये कहाँ से डिवाइड किया ना, 2 डिवाइड हो जाएगा. कितनी है इसके बीच में? गिनती कहाँ तक पहुंचा? 8 तक. कोई गलती लग रहा होगा किसी को? आसान क्वेश्चन था कि नहीं? तो सिंपली काउंट करना था. ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसकी रेट निकालने का देता. हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिनमें हम लोग को फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, कॉस ए माइनस बी इन सबके फॉर्मूले. एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसके थ्रू हम लोग फॉर्मूले चुके पढ़ लिए, अब क्वेश्चन के थ्रू हम लोग फॉर्मूले रिवाइज करेंगे. यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ ए प्लस बी इक्वल टू π/3, मतलब ये मैं करता हूँ फॉर लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर है 23, ताकि आपको सीट करने में आसानी हो जाएगी. मैं काफी क्वेश्चन इसके कवर कर रहा हूँ क्लास में. एंड ये cos a plus cos b कितना है? 1 दिया है. देन बताना है ना कि क्या होगा इससे. क्वेश्चन कहाँ पे है? एक नंबर खोलिए आप, 58, उसमें क्वेश्चन नंबर 3. यस वो तो वही टू है, तो वन होगा. ये बस चेक करें सेकंड ऑप्शन में हो सकता है कुछ कनेक्शन हो. सारे ऑप्शन चेक करेंगे और सबकी वैल्यू कुल मिला के यही दो चीज निकालनी है बस, क्योंकि ऑप्शन तो इन्हीं दोनों से है ना. चलोगे आप लोग की मैं हेल्प करूं? चेक कर दे, चेक करो. तुम तो क्वेश्चन ही ढूंढ रहे हो अभी, स्टार्ट करो. क्वेश्चन लिख दिया मैंने पूरा. आप लोग जो प्रिंट आउट निकाला करो ना, तो एक्सरसाइज का प्रिंट आउट निकाल लिया करो, लेवल 1 लेवल 2 का प्रिंट आउट निकाल लिया करो, ताकि वो फिर डिस्कस करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी. कैसे सर? कह रहा हूं जो आप लोग प्रिंट आउट निकालना अगर उसका मॉड्यूल का, तो आप सिर्फ निकाल लीजिएगा, पूरा निकालने का जरूरत नहीं है. जैसे एग्जांपल जो आप खुद ही करोगे ना, तो ये उससे हमें कम ही पेजेस निकालने पड़ेंगे, वरना पूरी बुकलेट बहुत होती है ना. पहले वाले का तुमने पूरा निकाल दिया, तो अब पूरा जरूरत नहीं निकाल रहे. हो गया ही, नोट कर लिया. अब देखो क्या निकालना है, cos a - b निकालना है. कोई बताएगा a - b कहां से आ सकता है?
है उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या क्या हमें दिया है cos a plus cos b equal to 1, तो इसमें हम फॉर्मूला प्ले कर सकते हैं 2 cos a plus b by 2 into cos minus b by 2 equal to 1. तो हम a plus b की वैल्यू पता है हमें pi by 3 और 60 डिग्री, तो a plus b by 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, तो वैल्यू डाल देंगे वहां पर. क्लियर है कि नहीं? एक बार ट्राई करना जो बताया मैंने. किसी का आया कुछ? इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ से रहेगा 2 cos इक्वल टू 1, ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2 कितना हो गया 30 डिग्री, तो 2 cos 30 डिग्री इंटू cos a माइनस b बाई 2 इक्वल टू 1, तो ये क्या कट जाएगा कितना आ गया, तो cos a माइनस बी बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3. ये पॉइंट क्लियर है सभी को? देखो जरा हमें चेक करना है, ये पहले तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं मॉड वाले की, ये आ गया ये एक्चुअली मॉड ऑफ cos a मॉड माइनस cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, cos c माइनस cos d का, किसी को याद है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin a plus b by 2 into sin b minus d minus d minus c. Yes, sir. Sin a plus b by 2 कौन सा है? C. B पार. C C. Oh, अच्छा C. ठीक. तो हमका a plus b by 2 कितना हो गया? 30 degree. ये आ गया 2 into 1 by 2. और sin a by 2 की वैल्यू निकालनी है, वो कहां से आएगी, अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा ना, ये रहना 1 माइनस हो गया, ये कितनी आ रही है वैल्यू रूट 2 बाय 3 हां क्योंकि स्क्वायर कर रही हो ना, सब b माइनस a बाय 2 का वैल्यू भी तो 1 बाय रूट 3 रहेगा ना, चेंज थोड़े होगा cos में. ये तो हमें अभी मैच नहीं कर रहा है इन ऑप्शंस में से, cos a माइनस b की वैल्यू और निकाल के चेक करने हम लोग कितनी आ रही है, सर वो भी गलत है सर, वो नहीं आएगी. हाँ वही, इसका आंसर एक्चुअली b पार्ट दिया है, इसका मतलब ये है जो रूट टू बाई टू लिख गया था ना वो रूट टू बाई थ्री है, कुछ और होता है. और एक बार cos a माइनस b की वैल्यू निकाल लेते कितना है, cos a माइनस b की वैल्यू कितनी आ रही है, हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दी 2 cos square a minus b divided by 2 minus 1 1.3 minus 1 कितना हो जाएगा 2 minus 3 minus 1 by 3 सही हो गया नहीं, ये सी बात है, मतलब c और b दोनों हो सकते हैं अगर वो root 2 by 0
माइनस वन बाई टू आर सही जा सकते हो। और अगर आप बी को करेक्ट कर लेते हो तो बी भी नोट कर लिया जल्दी करना। आगे बढ़े यस सर। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन एंगल्स आर इन एपी डिफरेंस सीरीज बनाने होती है तो हमें सॉल्व होगी क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या आता है इसका, इसका फॉर्मूला आता है साइन एन बीटा डिवाइड बाई टू, जहां में बीटा क्या है कॉमन डिफरेंस है एंगल्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा करोगी तो बीटा आ जाएगा, बीटा बाई टू कर दिया हमने, डिवाइड बाई एन हटा के सिर्फ कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई टू लिखा, ठीक है ना, इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा डिवाइड बाई टू, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ है, अगर हम ये वन बाहर ले ले तो टू अल्फा प्लस माइनस वन इंटू बीटा लिखा हुआ है, ये तुम्हें एपी के फॉर्मूले से मिलता और जुलता दिखाई दे रहा है कि नहीं, एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ठीक है ना, इससे याद आ जाएगा। और सिमिलरली एक फॉर्मूला और लिख लो पहले प्रूव कर लेंगे इसका, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, तो पहले बीटा आएगा फिर टू बीटा वाला टर्म आएगा, प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें एक टर्म आएंगे साइन वाले, बस मेन टर्म में कॉस रहेगा, sin बीटा डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई sin बीटा डिवाइड बाई टू इनटू cos अल्फा प्लस एन माइनस वन इनटू बीटा डिवाइड बाई, क्लियर है ना, इसमें बस यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे cos है यहाँ पे sin था पहले, अब cos का फॉर्मूला तो cos हो गया, बाकी ये दोनों टर्म फिक्स रह गए हैं एन बीटा डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई sin बीटा डिवाइड बाई टू। इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मल अगर कोई बंदा होगा उसको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे sin बीटा बाई टू से डिवाइडेड है, तो हम क्या करें डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें फिर चालू करें सॉल्व करना, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, इतना लिखिए आप तो प्रूव कर लेते हैं एक बार फटाक से, ठीक है। आगे हम लोगों ने साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा लिखे हुए अगर साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया साइन अल्फा
साइन बीटा बाय टू, और अगर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो देखना क्या बन रहा है। दो टर्म अभी लिखा हुआ है हमारे समझने के लिए, इसको लिखा रहे तरफ लिखा हुआ है टू साइन एफ एंगल का फॉर्मूला किसी को याद है? जरूरत नहीं है यहाँ पे cos a माइनस बी की वैल्यू खोल दो और cos a प्लस बी की वैल्यू खोल दो, लेफ्ट साइड की जो वैल्यू लिखी है आ जाएगी, ठीक है ना? Yes, sir. एक दूसरे से मिलके बने हुए बाय टू नहीं आता यहाँ पे, माइनस आता है इसलिए तो पहले माइनस लिखा है इसमें, फिर प्लस है, जनरल फॉर्मूले जितने हैं उसमें पहले प्लस आता है बाद में नहीं आता, ठीक है ना? फॉर्मूला उसका अपडेट करो जरा, ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा गया है टू साइन ए साइन बी की वजह से कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा बाय टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, दूसरा वाला बताओ क्या आएगा? और ए माइनस बी, ए माइनस बी करके क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाय टू, तो अल्फा प्लस बीटा बाय टू हो जाएगा कि नहीं? रिजल्टेंट माइनस कॉस अल्फा प्लस बी बीटा बाय टू, ये बात कितने लोगों को क्लियर है? सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, चढ़ गया नहीं चढ़ गया ना? यस सर। कुल मिला के हमारे सिस्टम में बचा क्या? पहला और आखिरी, तो इसी तरह से सारे टर्म ओपन करेंगे, कौन बचेगा? सबसे पहला और सबसे आखिरी, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? राइट चेक कर लेते, राइट मोस्ट है क्या? तो राइट मोस्ट अगर आप देखेंगे क्या आ जाएगा? कॉस ना, एक सेकंड इतना नोट करो जरा सारे लोग फटाक से, ये लास्ट वाला टर्म क्या आएगा कोई बताएगा? सबसे लास्ट में क्या बन रहा था यहाँ पे ऊपर से? ये बन रहा था साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इनटू बीटा, साइन बीटा बाय टू जो फॉर्मूला लगा होगा टू वाला, तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा पहले, और फिर लास्ट वाला टर्म बच रहा होगा क्या होगा? माइनस करके पहले क्या होगा दोनों को, इन दोनों एंगल को दूसरा में क्या क्या होगा? माइनस कॉस ए प्लस बी, बनना यही है क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और ये आ रहा है सब कट जाने कोई नहीं बचेगा, कॉपी में देखो देखो ये पहला टर्म था, ये दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, आगे पांचवा होगा, और ये tn था, ध्यान से देखना मैं किन को काट रहा हूँ, दूसरे से कटा तीसरे का पहला, मतलब अगर दूसरा टर्म बोल रहे तो दूसरे से ये कटा, इससे इसकी बाजू वाला कटा होगा, तो वो जब बाजू वाला नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके बाजू वाला यही वाला होगा, एक तरीके से बिहेव करेगा, इससे ये बता लास्ट में ये मतलब फर्स्ट और लास्ट बचेंगे, आप इतना सोचो हम लोग अभी करेंगे एपी वाले में चैप्टर में दोबारा से। यहाँ तक किस किस का आ गया है? इसका नहीं आया, पहले इसका डाल दे, आ गया है ना? अब फाइनल फॉर्मूला क्या लगेगा? cos a - cos b का फॉर्मूला कौन सा आएगा बताइए सर? कहां पे
c minus d, 2 sine c plus d by 2 sine d minus c by 2. बिल्कुल सही बताया आपने, 2 sine c plus b by 2 कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ये आ रहा है पूरा सॉल्व करने के बाद, 2 डिवाइड कर लेने के बाद देखो आप लोगों का आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जब जोड़ोगे तो 2 अल्फा आ जाएगा और फिर जब आप वो करोगे n माइनस 1 इंटू बीटा तब दोनों को जोड़ करके हम लोग ने ये लिखा और इंटू साइन डी माइनस थ्री बाई 2 ना, तो d माइनस थ्री बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, j माइनस k, अल्फा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट हाँ कट जाएगा सर, क्या बचेगा n बीटा n बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 हाँ, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास टर्म, आपको क्लास में यही आ रहा है इधर चेक करना सारे लोग, a call from spam. ये वाला जो स्टेप आया था हमारा ये वाला cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये कहां से आया था एक बार ये चेक करना था, ये आया था ऊपर से हम लोग का स्टेप इस टर्म से जो हमारा आया था, इसमें हम लोग ने क्या किया था लास्ट टर्म में हम लोग ने 2 sin c और 2 sin a इंटू sin b वाला फॉर्मूला लगाया था, तो फॉर्मूला क्या ओपन हुआ था sin, हम लोग का फॉर्मूला ओपन हुआ cos से, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b ना, तो a प्लस बी हमने किया था ये कट गया था ओके, बट ये 2 नहीं था, ये जो 2 हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रखा है ये 2 नहीं था, समझ में आया नहीं, ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रखा था ये 2 नहीं होगा इस जगह पे ओके, तो आप जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा और प्लस बीटा डिवाइड बाई 2, करेक्ट है ना, ये जो लास्ट टर्म है उसको थोड़ा सा चेंज है क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है, cos अल्फा प्लस n माइनस 1 और प्लस हाफ इनटू बीटा, cos अल्फा प्लस n माइनस हाफ आ रहा है इनटू बीटा, ठीक है ना, ये हाफ था इसलिए, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे वाला, एग्जाम में तो वैसे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, नवाब तो तारीख की फॉर्मूला आपको याद रखना, पर ये है कि हम लोग एक करके देख रहे पूरा, ये आ गया ना सभी का यहाँ तक, एक बार चेक कर लो वापस से, डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला लगा ले, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी आप करेंगे क्या रहेगा हम लोग का, by 2 into sin
D minus C. बीटा का सर बाहर से है गुणा. हाँ. ये हो गया ना सर. बीटा पुश ब्रैकेट के बाहर है सर. बीटा ब्रैकेट के बाहर है सर इसमें लास्ट. हाँ तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है. मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ पे. बीटा कर दीजिए बस सर. ठीक है ठीक है ठीक है ना. अब देखो ये बीटा बाई टू इससे कट जाएगा कि नहीं. पूरा पूरा अल्फा अल्फा कट गया. ठीक है आ गया एन बीटा बाई टू. तो टू साइन एन बीटा बाई टू इन टू इससे क्या आ जाएगा. टू अल्फा. टू अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा. अल्फा प्लस एन माइनस हाफ और ये माइनस हाफ है. जोड़ करके क्या आ जाएगा. एन माइनस वन बीटा बाई टू. क्लियर है. और हमारे नीचे पहले से क्या था. टू जिससे मल्टीप्लाई किया था. ये था ना बीटा बाई टू. और आंसर हमारा क्या आ गया. फाइनल ये. ठीक है ना. सेम तरीके से आपको कॉस का भी डिराइव करना है. कॉस में कुछ ऐसा अलग नहीं है. बोलो पहले इतना मैं क्लियर है. सभी लोग और जाओ पहले याद रखो. क्लियर हो गया ना कि कहाँ पे वो मिस हो रहा था. yes. ये ना तो क्या था पहला टर्म और ये लास्ट टर्म था. ठीक है ये कौन नहीं. ये पहले उन्होंने यही बता फिर बाद में आप वेरीफाई करके जो ये आया हमारा फाइनल आंसर इसके. हाँ वो ओपन कर दिया जैसे एन माइनस वन प्लस वन बाई टू करो एन माइनस वन. आगे करें देखिए उसके ठीक है ना. वो हमने फॉर्मूले तो लिखे थे उनकी एप्लीकेशन देखते हैं. फिर फॉर्मूले से बनो सम ऑफ टीयर्स इन्हीं को अप्लाई करना है सर डायरेक्टली. इसको अगर अरेंज कर लिख करके लिख दोगे तो 2, 4, 6 लिखा हुआ है. तो हम डायरेक्टली अपना वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. यहाँ पे पहला टर्म क्या है हमारा cos 2π/7 और कॉमन डिफरेंस क्या है एंगल्स के बीच में जिसको हम बीटा बोल रहे थे अभी तक वो है 6 मतलब 4π/7 2π/7. तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया 2π/7. एक बार पहले निकाली जरा क्या है.
of alpha will alpha beta into the cos 2.7 और अगर cos 4.7 को पहले पढ़ रहे हैं तो cos 2.7 + 2.7 और प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2.7 + 2 × 2.7 मतलब ये क्या हो गया cos अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बन गया कि नहीं वो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई इसमें हमने वैल्यू क्या बताओ कितना n की वैल्यू अगर 3 है तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या बनेगा sin 3 into beta divide by 2 divide by sin into cos alpha plus n into beta divide करेक्ट वैल्यू रख लीजिए ये फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है इसको कंपेयर करो पोर्शन से क्या मिल रहा है अल्फा की वैल्यू क्या है ये चेक करो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है वो चेक करो फिर हमें वैल्यू चेक करना है कि फॉर्मूला लग भी पाएगा हमने कि नहीं लग पाएगा हमने चेक करके पाया कि बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है बस इसमें एन टर्म्स थे हमारे वाले में 3 टर्म है कुल मिला के ठीक है ना तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली बीटा की वैल्यू निकाल ली क्या फॉर्म है पुट कर दी इसीलिए तो फॉर्मेट राइट किया ना हाँ नहीं कोई कुल दू ओ अल्फा लिख गया वो 2.7 है हाँ पहला एंगल है मतलब वो मैंने टर्म में समझाने की वजह से लिखा था कि पहला एंगल ये है अंदर है किसी का हाँ तो हमने कि कैसे करना है यस सर नमस्कार आपको यस सर कितना है आंसर साइन 3π/7 इनटू कॉस 4π/7 अपॉन साइन 5π/7 अच्छा कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है क्या कुछ हाँ होगा अभी सही करो जरा और सर सर सॉल्व कर रहा हूँ आंसर तो ये यार अच्छा मतलब ये अरे एक्सप्रेशन ओपन हो गया ना आप लोग का इसकी वैल्यू आ गई क्या रहेगा 3π/7 इनटू कॉस 2 टाइम्स कट जाएगा 4π/7 आएगा नहीं डिवाइड बाय साइन 5/7 यहां तक किस किस का आ गया ये बता दो सर आ गया यहां तक आ गया -1/2 आएगा सॉल्व करके -1/2 बीटा ये आ गया 2 से हम लोग ने क्या किया फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी ये हम लोग साइन ए प्लस साइन ए को क्या हो जाएगा साइन ए प्लस प्लस साइन सर इसमें साइन 2 साइन बी कॉस ए का लगना नहीं चाहिए क्योंकि कॉस बड़ा है इसमें अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो ए माइनस बी में घट जाएगा ना वो वैल्यू जैसे फॉर्म ने लिखी हूँ 2 साइन ए कॉस बी वो वाला जो आप वाला फॉर्मूला बोल रही है उसमें कॉस बी कॉस ए साइन बी पढ़ते हैं हम लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूला एक याद कर लो इससे इसमें माइनस आ जाएगा ना इधर में क्लियर है ना कुछ ऐसे याद करना है तो हम यही का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं आ जाएगा साइन ए प्लस बी ए प्लस बी कितना हुआ 7π/7 और प्लस साइन ए माइनस बी मतलब कितना हुआ 3π/7 - 4π/7 डिवाइड बाई 2 साइन 5/7
क्लियर है ना, साइन पाई कितना होता है जीरो, जीरो डिग्री इज जीरो, और ये कितना आ गया माइनस साइन पाई बस आंसर कितना आ गया माइनस और इसको सॉल्व करने का पता आपको एक और तरीका था कि हम लोग यहाँ पे cos c plus cos d भी लगा सकते थे, ठीक है ना। देखो हम लोग ने इसको एक्सपेंड करके लिखा ये ऐसे काम बन रहे थे, तो हम लोग को आइडिया लग गया कि ये इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है इस टाइप से। तो अगर ये एंगल जो है इसमें है एपी में हुए कि नहीं, एंगल जो एपी के टर्म्स होते थे क्या होते थे अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा, तो हमें पता लगा ये एंगल एपी में है सारे, तो हमने फिर फॉर्मूले उस हिसाब से लगा दिए जो हम लोग फॉर्मूला जिसमें एप्लीकेबल हो सकता था। ये cos और tan में cos और tan में फॉर्मूला क्या होता है sin n बीटा डिवाइड बाय 2 n डिवाइड बाय sin बीटा बाय 2, अभी तो हमने डायरेक्ट किया ना इसलिए ये चीज, पर बस यहां पे cos आना था उसमें इतना चेंज करते हैं। ये फॉर्मूला हमने प्रैक्टिस आपको करने के लिए कराया कि याद हो जाएगी एक्चुअली में, क्योंकि आप एग्जाम में हर एक बार तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ना। अब इसको नोट कर लो दोबारा एक बार जब लिखोगे तो आ जाएगा समझ में, मतलब आगे भी हमको कई सारे क्वेश्चन अभी जो चैप्टर्स हैं अभी तो आसान चैप्टर से करीब चल रहे हैं, हमें आगे और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो कई बार ऐसा होगा आपको नहीं समझ में आएगा, बट अगर आप लिख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। फिर जब एक बार खुद से घर पे सॉल्व करो सेम चीजें बैठ करके नेक्स्ट में, तो हम लोग बोलते ही है ना शुरुआत में क्लास स्टार्ट करने के हर समय में बोल ही रहा हूँ कि कोई डाउट हो तो बताओ, तो शुरुआत की 5-10 मिनट हम लोग अगर आपको कोई डाउट रहता तो वो भी ले लेंगे, ठीक है। पर ये मान के मत चलो कि हाँ मेरे को नहीं समझ में आया तो आगे भी नहीं आएगा, घर पे जाकर रिवाइज करो याद रखना। आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोग ट्राई करो बात इस वैल्यू में बतानी है cos 20 40 60 और 80 इसको देखकर भी कोई आपको फॉर्म याद आ रही है जो मैंने कल पढ़ाई थी किसी को भी cos a cos b वाली 2 cos a cos b और कोई और कोई और मैंने क्या क्या पढ़ाया था फॉर्म एक मैंने फॉर्म पढ़ाई थी वाली cos a into cos 2a into cos 2 square a याद आया यस सर ट्राई करो वाला क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा बेसिक वाला तो आप कर ही सकते हो नुस्खा वो जल्दी मैं अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ वो जल्दी पड़ जाता है थोड़ा सा इसीलिए हम लोगों ने फॉर्म में डिराइव किए हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने तरीके पढ़े ना इनसे हो जाएंगे आपके इसमें आपको एक वैल्यू पता है किसकी पता है कॉस 60 की कर लें बाकी पे फॉर्मूला लगा दें अगर ए को हम लोग बोले 20 तो हमारा 2a क्या हो गया 40 2 स्क्वायर a क्या हो गया 80
साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, जो हमने टू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा है, साइन में तो आपको बेसिक मेथड ही अपनाना पड़ेगा। साइन वालों को हम पहले ट्राई कर लेंगे, कॉस में चेंज करने का, मान लो अगर कॉस में चेंज करके ऐसा बन रहा हूँ तब भी हम लगा सकते हैं। निकालिए जरा इसकी वैल्यू, वन बाय सिक्सटीन। लिखा cos 20 into cos 20 into 2 into cos 20 into 2 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया था, ये लिखा 1 upon 2 और टर्म कितने टोटल n की वैल्यू देखिए 3 2 की पावर n sin a into sin 2 की पावर n, ठीक है ना, ये हो जाएगा sin 160 upon 16 into sin 5 minus 20 180 minus 20 लिख सकते हो उसको, माइनस का 1 अपॉन 16 आएगा, प्लस का 1 अपॉन 16 माइनस को लेगा, पाई माइनस, पाई माइनस सीधा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, यस सर यस सर आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। इसमें मॉड्यूल में आप लोग 33 पेज नंबर तक सारे कर सकते हो, 33 पेज नंबर पे वही दी हुई है सारे क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने किए हुए हैं। हाँ कितने पेज नंबर है सर? 33, ठीक है ना। क्लियर है ना, इसको नीचे पिक करेंगे। अभी तक के लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं निकलते हैं यहाँ पर। क्या रहे ना आप पूछ रहे थे ना कोई डाउट तो सर वो पूछो। काफी टॉपिक हम लोग कवर हो चुका है, ध्यान रखना प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे घर पे तो दिक्कत होगी, इसलिए घर से रिवाइज करके आना है, आया करो नेक्स्ट क्लास में। क्या बोल रहे हो सर? पेज नंबर 18 पे कौन सा
सर स्टूडेंट टास्क का फर्स्ट क्वेश्चन क्या 1075 + 175 यस सर ये तो आप लोगों ने किया हो 1075 + 475 इसको क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं ऐसा ये हो गया cos square 75 ऊपर वाला टर्म क्या हो गया बताओ कोई लोग बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए क्या आ गया 2 अपॉन sin 2 sin a cos a तो sin 2a का फार्मूला दिख रहा है ये सबसे आसान तरीका है इसका बाकी दूसरा तो i की वैल्यू रख दो इनकी 75 डिग्री तो sin 150 आ गया 150 को क्या लिख सकते हो 180 - 30 आ गया सर आ गया और ये वाला क्वेश्चन बनाया किसी से क्वेश्चन नंबर 3 ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आ चुका है प्रीवियस ईयर में द वैल्यू ऑफ 1 + 10 1 1 + 10 2 1 + 10 45 ये वैल्यू में बतानी है ऑप्शन दिए हुए और कोई डाउट तो नहीं सर तुम्हारा जो रह रहा हो मतलब मैं अपना करवा रहा हूँ तुम्हारा रह रहा है हाँ तो सर क्वेश्चन पूछ के निकल लेते हो क्या कहीं किसी का है क्वेश्चन क्या कह रहे हो नहीं है मैं हिंट दे रहा हूँ चलो ट्राई घर पे करना इसकी वैल्यू 2 है सबको पता है ये 1 + 10 1 और इसके बाजू में एक नंबर होगा वो होगा 1 + 10 = 44 होगा कि नहीं यस सर यस उनका को कंबाइन करना उससे कुछ टर्म आपको सिमेट्रिकल बनते दिखेंगे इसी तरह इसको और उसके बाजू वाले को 1 + 10 = 43 वाले को कंबाइन करना ठीक है ना उससे भी कुछ टर्म सिमेट्रिकल बनते दिखेंगे फिर आपको आंसर आएगा इससे रिलेटेड तो आप ये घर पे ट्राई करना यहीं से हम लोग पिक करेंगे अब ये मान लो ये होमवर्क में क्वेश्चन है इसका मतलब है आप लोगों ने घर पे ट्राई नहीं किया है मॉड्यूल अगर ट्राई किया होता तो इसका आंसर आना चाहिए ना ये तो एक्सरसाइज में था क्वेश्चन स्टूडेंट टास्क में अभी मेन एक्सरसाइज की इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ आप लोग अगर मेरे से मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं दैट इज दिस ओनली कि आप लोग घर पे जाके पूरा
ट्राई जरूर करिए, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा फिर इन क्लासेस का, ना क्योंकि क्लासेस में तो पढ़ाया जाएगा उसका मेन तो सेल्फ स्टडी से ही आएगी चीज है रिवाइज करके, तो घर पे पूरा पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा, 3-4 घंटे 5 घंटे निकालना पड़ेगा, तब आप सपने देखो IIT के, वरना तो आप मान के चलो कि फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं है उसमें, क्या क्योंकि दम तो लगानी पड़ेगी ना, इतना ऐसे हल्के में काम नहीं चलेगा, मतलब तो तब आएगा ना, तुम इतने डाउट पूछ रहे हो कि मैं ही बोल दूं यार बस करो बाकी कल पूछना, डाउट ही नहीं पूछ रहे हो बताओ, ठीक है ना। आई होप आप लोग कल करके लेके आओगे, पेज नंबर 33 तक हो चुका है हमारा कंप्लीट, ऐसे ही पेज नंबर पूरे हो जाएंगे किसी दिन, आपका हो रहा है कि नहीं मैटर ये कर रहा है, ठीक है ना। चलो फिर एंड करते हैं, यहीं से पिक करेंगे, देखते हैं कल कौन कौन करके लाएगा क्वेश्चन बिना छापे, कहीं से छापोगे तो मिल ही जाएगा। ओके चलो फिर, बाय एवरीवन।